हेलो, हाउ आर यू गाइस? कैसे हो? सब मस्त? तो आज हम लोग बात करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देने की तो जरूरत नहीं। तो मेरा नाम है अतिकुर रहमान और ये है आपका छोटा मोटा सा चैनल उस्मानी क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे क्या, गॉस अंकल की लॉ की। गॉस लॉ की बात करने वाले हैं। गॉस लॉ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस का। अब बोलोगे गॉस अंकल का, तो गॉस अंकल का स्टेटमेंट कराने से पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंट्रोडक्शन कुछ देने वाला हूँ गॉस लॉ का, जिससे आगे चलकर तुम्हें ये परेशानी ना हो कि यार ये कैसे, इसका प्रूफ हुआ है किस तरीके से है। तो लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता, ये एक स्टेटमेंट है, उसी पर वो हर चीज क्या होगा उसी पर वैलिड होने वाला है। लॉ इज फॉर एवरीथिंग। लॉ कभी किसी एक पार्टिकुलर चीज के लिए नहीं बनाया जाता, ये पूरा जनरलाइज्ड होता है। तो हम लोग गॉस लॉ की बात करने वाले हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ गॉस लॉ। इंट्रोडक्शन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ के इंट्रोडक्शन की बात करने वाले हैं। गॉस लॉ क्या फाइंड आउट करता है? सही है, गॉस लॉ ये फाइंड आउट करता है क्या कि सपोज करो कि मैं बोल रहा हूँ कि गॉस लॉ से हम लोग बहुत सारी चीजें फाइंड आउट करने वाले हैं। कैसे? पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस से। हो सकता है वह स्फीयर हो सकता है वह पैरा हो सकता है कोन हो सकता है क्यूब हो। हम लोग इसमें क्या आने वाला है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करने वाले हैं। एज वेल एज इसका अप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। कैसे कैसे? मीन सपोज करो एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है हमारे पास, मीन्स बहुत इनफाइनाइट वायर है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तुम्हें। सपोज करो एक हमारे पास स्फीयर है, उसकी वजह से आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। वन बाय वन हम लोग सारे के सारे चीज फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ गॉस लॉ। सपोज करो एक हमारे पास यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। ये बता, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आर डिस्टेंस पे क्या होने वाली है? मैं बोला इसकी वजह से ये आर डिस्टेंस पे, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाली है? तो क्या बताओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू, ये कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इट्स वेरी सिंपल, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो बोलोगे गॉस लॉ आखिर ये तो मालूम ही हो गया, तो यहाँ पे मुझे पता करना है क्या फ्लक्स कितना पास होगा। तो मैं क्या किया, इस प्लस क्यू डिस्टेंस से मैं एक आर्बिट्री आर डिस्टेंस चला और मैं बोला कि एक हमारे पास यहाँ पे आर डिस्टेंस का एक स्फीयर बनाओ। स्फीयर क्यों, मैं क्यों नहीं सर्कल बोल रहा? सर्कल इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सर्कल इसलिए नहीं बोल रहा हूं बिकॉज सर्कल तुम्हारे पास टू डी फिगर है। और ये बताओ प्लस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी क्या सिर्फ एक ही डायरेक्शन में निकलेगी? क्या नहीं, प्लस क्यू से इस डायरेक्शन में भी निकलने वाली, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, सारे के सारे डायरेक्शन में निकलने वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या बोला, ठीक है तो ये क्यू है, मैं बोला यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना होने वाला है, ये मान लो आर डिस्टेंस है यहां से। ये बताओ यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होने वाला है, आर होने वाला है। और यहां से यहां तक भी डिस्टेंस कितना होने वाला है, ये आर होने वाला है। मैं बोला कि ये बताओ आर डिस्टेंस पे मैं एक एरिया लेता हूं, एरिया छोटा सा एरिया मीन्स डिग्री यूनिट का मैं एरिया लेता हूं। यहाँ पे आर डिस्टेंस पे मैं डिग्री यूनिट का एक एरिया यहां पर लेता हूं। सपोज ये डिग्री यूनिट है, सपोज मैं आर दूरी पे, आर डिस्टेंस पे मैं एक यहाँ पे छोटा मोटा एरिया वेक्टर लेता हूँ। मैं बोला कि ये बताओ एरिया वेक्टर का जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होने वाला है। इसको मैं छोटा सा एरिया है तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, डीए। ये भी छोटा सा एरिया है तो इसका भी डायरेक्शन इधर ही होने वाला है, ये भी क्या होगा हमारे पास, डीए। और छोटा सा एरिया है तो ये भी क्या होने वाला है, इसी तरफ डायरेक्शन होगा, इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ, डीए। वट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होने वाला लोग? तो बबुआ लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होने वाला है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो क्या होने वाला है। ये बताओ अगर हमारे पास प्लस क्यू चार्ज था, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलता था, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन निकलता था कि नहीं? रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे निकलता था। और जैसे जैसे दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या आने वाली है, घटने वाली है। समझ में आया? मैं बोला कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन। तो
तो यही क्या होगा, डायरेक्शन होगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये बताओ आर डिस्टेंस पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे है, ये भी आर डिस्टेंस पे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। बहुत ध्यान से समझियो, बहुत ध्यान से समझियो, ये भी आर डिस्टेंस पे क्या होने वाला है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है। और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है, ई। ये बताओ मैं जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था तो फॉर्मूला हुआ था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ई ए कॉस थीटा था कि नहीं। ये बताओ ई और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना है हमारे पास। मैं बोला यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। बहुत ध्यान से ये सब लिखना, तुम कॉपी पे लिखना, मैं जब गॉसियन सरफेस का रूल पढ़ाऊंगा तो तुम्हें समझाऊंगा किस तरीके से ये होगा। थीटा इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 0 डिग्री। तो मैं एक प्लस यू के अराउंड एक इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल एक स्फेरिकल सरफेस माना और वहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और मैं फ्लक्स फाइंड आउट करने वाला हूँ। ये बताओ ये चीज समझ में आया, अगर ये चीज समझ में आ चुका होगा तो ये चीज देखो आप, तो ये बता दो, अब तो ये बता दो, अगर छोटे से एरिया से, मैं बोला कि एक हमारे पास बहुत बड़ा एरिया है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही है, ये बताओ अगर छोटा सा इनफाइनाइटेसिमली वेरी वेरी स्मॉल एलिमेंट मीन्स एरिया लिया तो ये बताओ वहां से 100 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जाएगी थी कि उससे कम जाने वाली है। मीन्स वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम जाएगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बहुत कम होने वाला है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत कम होने वाला है। तो मैं बोला कि चलो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्लोज्ड सर्फेस से डिफाई की वैल्यू मीन्स इस क्लोज्ड सर्फेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मुझे निकालना है। क्या मेरा एम है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना इस क्लोज्ड सरफेस से जो आर डिस्टेंस पे तुमने हाइपोथेटिकली तुम उसको सरफेस को ड्रॉ किया, तुमने ड्रॉ किया है, हो सकता है कोई नजदीक ले लो, हो सकता है कोई दूर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डिफाई इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, ई वेक्टर डॉट क्या होता है हमारे पास, डीए वेक्टर बोल सकते हैं कि नहीं, डीए वेक्टर बोल सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये याद है ना ई ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर बहुत स्मॉल है तो मैं लिया। ये बताओ अगर मुझे इंटीग्रेशन टेक्निक कब यूज करोगे, जब छोटे छोटे अगर एलिमेंट को अगर एडअप करना हो, बहुत बड़ा करना हो, तो कौन से यूज करते हैं हम लोग इंटीग्रेशन टेक्निक। तो मैं यहाँ पे अगर मुझे फाई ई चाहिए टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस क्लोज्ड सरफेस, तो ये क्या होने वाला है, फाई ई चाहिए, तो मैं यहाँ पे डी फाई ई का इंटीग्रेशन करने वाला हूँ। ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, ये होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये होगा हमारे पास 5 टाइम्स ऑफ ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम तो ये फॉर्मूला हमेशा के लिए याद कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला हमेशा के लिए तुम याद कर लो, दिस इज इम्पोर्टेंट। मीन्स फ्लक्स कितना पास होगा, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होगा। तो ये बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसको ओपन करोगे तो कितना होगा, फाइ ई इज इक्वल टू योगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, और ये कितना होगा हमारे पास कॉस थीटा। ये बताओ सारे के सारे पॉइंट पे एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो मैं बोला फाइ ई इज इक्वल टू, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है हमारे पास, कॉन्स्टेंट। ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इस क्यू चार्ज की वजह से योगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। समझ में आया, फील आ रहा है कि नहीं, फील आना चाहिए, नहीं तो उत्तराखंड जाके घूम के आओ, मसूरी वगैरह घूम के आओ तो तुम्हें फील आएगा कि यार वहां पे इतना अच्छा नेचुरल ब्यूटी, बट वहां पे नेचुरल डिजास्टर भी बहुत ज्यादा होता है, याद करना। जहाँ पे ब्यूटी बहुत ज्यादा होगा वहां पे डिजास्टर बहुत ज्यादा होगा, जहाँ पे अच्छी लड़कियां होगी वहां पे लाइफ कैरियर भी बर्बाद होने का चांस बहुत ज्यादा रहेगा। समझ में आ रहा ना, फील आ रहा ना, तो फील करो। तो फाई की वैल्यू कितनी होगी, फाई की वैल्यू होगी हमारे पास के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये हमारे पास कॉस थीटा कॉस जीरो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और ये हो जाएगा हमारे पास डी ए। और ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर मीन्स ये कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो और तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है यहाँ पे मीन्स के क्यू बाई आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए मीन्स डी ए का इंटीग्रेशन कितना होता है, मैं बताया था डी ए का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा, एरिया, और कौन सा एरिया लोगे, एरिया ऑफ स्फीयर, और एरिया ऑफ स्फीयर कितना होने वाला है, 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मारा फाई ई। यहाँ पे देखो फाइ ई की वैल्यू कितनी होने वाली है, फाइ इज इक्वल टू के की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा क्यू, और ये कितना होने वाला है इंटू 4 पाई से 4 पाई मरेगा, और ये रिमेनिंग तुम्हारे पास क्या बचा,
मीन्स टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बचा हमारे पास फाइ इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है। इसका मतलब ये देखो इस पूरे क्लोज्ड सरफेस में चार्ज कितना है, सिर्फ क्यू है तो है। इसको मैं क्या बोलने वाला हूं, ये हमारे पास क्लोज्ड सरफेस है, दिस इज क्लोज्ड सरफेस और समटाइम्स वी कॉल एज ए थ्री डी सरफेस, थ्री डी सरफेस है। इसी को समटाइम्स वी कॉल एज ए गॉसियन सरफेस, इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं गॉसियन सरफेस। ये मान लो गॉसियन सरफेस एक बहुत बड़ा सरफेस है, नहीं गॉसियन सरफेस होने के लिए रूल होना चाहिए, वह रूल मैं बताऊंगा। तो अभी क्या ये गॉसियन सरफेस एज्यूम करना, जितना भी मैं जब भी कराऊंगा तो एज्यूम करना ये एक हमारे पास थ्री डी सरफेस है। ये क्या हमारे पास गॉसियन सरफेस है, फाइ इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, कितना हो गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आया ये वैल्यू। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ क्या क्लोज्ड सरफेस के लिए, ये क्या होने वाला है क्लोज्ड सरफेस के लिए जो फ्लक्स थ्रू, मैं बोलूंगा फ्लक्स थ्रू दिस स्फीयर इज इक्वल टू कितना होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू क्या है नेट चार्ज इनसाइड द स्फीयर। बोलो यार ये कैसे, एक और चार्ज होता तो क्या होता, एक और चार्ज होता तो क्यू नेट एड हो जाता। इसी को सिंप्लीफाई करने के लिए, इस इंटीग्रेशन टेक्निक से बचने के लिए, इससे मुझे ये सब चीज से मतलब ये मतलब जो भी फलाना दिमाग का जो भी उससे बचने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा क्या गॉस लॉ। गॉस लॉ तुम्हें बता रहा हूँ, गॉस लॉ तुम्हें मीन्स ये सब टेक्निक से दूर रखेगा और बोलेगा सिंपल तुम अप्लाई करो जो मैं कह रहा हूँ उसको यूज करो, अप्लाई करो और आंसर लेके आओ। ये चीज क्या करने वाला है गॉस लॉ। फील आया, फील आया, अगर फील आया तो हम लोग आगे चले। ये हुआ गॉस लॉ का इंट्रोडक्शन। गॉस लॉ क्या कहता है, देखिए भाई साहब पढ़ाई वढ़ाई कर लो, जिंदगी जिंदगी बन जाएगी, आईएएस वाईएएस बनो, अदरवाइज ठोकर खाते रह जाओगे। प्यार बाबू भैया प्यार के चक्कर मत पड़ना, दिक्कत हो जाएगी, समझ रहे हो। तो पढ़ाई पे फोकस करो, प्लीज स्टे एट फोकस, बी अटेंटिव, बहुत ज्यादा अटेंटिव रहो। और यहाँ पे देखो गॉस लॉ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्या गॉस लॉ को, गॉस लॉ के अंकल मीन्स गॉस का अंकल मीन्स नहीं गॉस का अंकल है, गॉस अंकल के लॉ के हम लोग बात करने वाले हैं। गॉस लॉ क्या बताता है, गॉस लॉ बताता है यहाँ पे उसके स्टेटमेंट देखो, गॉस लॉ ये बताएगा मीन्स द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस, ये क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए। मतलब क्लोज्ड सरफेस किसका होता है, टू डी प्लेन का या थ्री डी प्लेन का, थ्री डी प्लेन का और तुम्हारे पास थ्री डायमेंशनल प्लेन का अपना क्लोज सरफेस। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एन क्लोज सरफेस, इसको मैं ले रहा हूं क्या फाई, थ्रू क्लोज सरफेस इज वन बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ, वन बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस। इसका मतलब क्या बोलने वाला है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है मीन्स इनसाइड ए क्लोज्ड सरफेस वो किसके बराबर है, वन बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। समझो मैं बोला कि एक हमारे पास यहाँ पे एक क्लोज्ड सरफेस है, कुछ इस तरीके का इररेगुलर शेप का क्लोज्ड सरफेस है। मैं बोला कि हमारे पास एक चार्ज है यहाँ पे Q1, एक हमारे पास चार्ज है Q1, एक हमारे पास है चार्ज यहाँ पे माइनस Q2, एक चार्ज है हमारे पास Q3 और एक चार्ज है हमारे पास यहाँ पे Q4 और ये हमारे पास है दिस इज ए क्लोज्ड सरफेस, दिस इज ए क्लोज्ड सरफेस, ये हमारे पास है क्या क्लोज्ड सरफेस। मैं बोलूंगा इसके ये सारे के सारे चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो ये बताओ अगर इस क्लोज्ड सरफेस से तुम्हें नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो क्या होगा, इस क्लोज्ड सरफेस से नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो क्या करोगे, यहाँ पे टोटल चार्ज ऐड करना है किसके, जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर हो, जो क्लोज्ड सरफेस के अंदर है उसको टोटल चार्ज को ऐड अप करो। ये कितना आने वाला है, यह आएगा क्यू वन प्लस क्यू थ्री और ये कितना आने वाला है माइनस क्यू टू और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ये होगा हमारे पास क्या था मीन्स गॉस लॉ। गॉस लॉ ये कहने का मतलब था, गॉस लॉ का कहने का मतलब ये है
ही फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस। बहुत ध्यान से देखना एक स्टूडेंट, टोटल चार्ज क्यू नेट इनसाइड मीन्स इनसाइड ए क्लोज सरफेस, तो इसका मतलब नेट चार्ज ये क्लोज्ड सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये इसके बराबर होने वाला है। इसका मतलब टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू सम ऑफ चार्ज विच आर प्रेजेंट इन द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये आ जाएगा फ्लक्स, और ये फ्लक्स इसके बराबर होने वाला है। याद करो ये जो फ्लक्स बराबर होने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ एनी क्लोज सरफेस ई वेक्टर, याद है ना, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। याद करो अभी कुछ देर पहले कुछ मिनट पहले ही मैंने पढ़ाया क्या मीन्स क्लोज सरफेस जो आएगा मीन्स वहां पे तो बोलो क्लोज नहीं था, अगर यहाँ पे क्लोज है तो ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास क्लोज, और तुम्हारे पास यहाँ पे एक रिजल्ट आने वाला है, दिस इज वेरी 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 मच इम्पोर्टेंट, दैट इज ए फाइ क्लोज इज इक्वल टू न्यू क्यू नेट इनसाइड, टोटल नेट कितना हमारे पास क्लोज सरफेस में डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर, मीन्स क्यू फोर की वजह से कोई फ्लक्स नहीं आने वाला, Q4 की वजह से क्यू फ्लक्स नहीं आने वाला, मैं बताऊंगा किस तरीके से ये नहीं होगा, क्यों नहीं होने वाला यहाँ पे। समझ में आया, समझ में आया, अगर समझ में आया होगा तो वेरी गुड, नहीं समझ में आया तो सच्ची कोई बात ही नहीं है। तो समझ में आया तो आपको तो ये याद करना है, ये चीज पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया तो मैं आगे आपको दिखाता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग और इसको डीप में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो डीप में देखो यहाँ पे सपोज मैं क्या किया, एग्जांपल देखो मैंने क्या किया, एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है याद करना, चार्ज का जो साइन होगा वह साइन जरूर रखना अदरवाइज गलत हो जाएगा, ये प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे, ये प्लस क्यू सही है क्या, हो गया, मैं बोला ये डिस्टेंस यहां से कितना है हमारे पास r डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारे पास कितना है यहाँ पे 2r, और ये डिस्टेंस तुम जितना भी ले लो तुम्हारा मन, ये कितना आएगा 4r डिस्टेंस पे। मैं बोला ये हमारे पास फर्स्ट सरफेस है, ये हमारे पास सेकंड क्लोज सरफेस है, और ये हमारे पास तीसरा क्लोज्ड सरफेस है। ध्यान में रहे चार्ज को क्या बनाना है, क्लोज्ड होना है, चार्ज हमेशा खुला नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम इसको ओपन कर दो अब बोलो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होने वाला है, नहीं ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, चार्ज क्या होने वाला है क्लोज्ड होना चाहिए। मैं बोला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वन की वजह से क्या आएगा, मैं बोला कि क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये बताओ इस क्लोज सरफेस में टोटल चार्ज कितना है क्यू, ये बताओ इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेकेंड क्लोज सरफेस के लिए क्या आएगा, यह आने वाला है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, कैसे तो सेकंड सरफेस में टोटल चार्ज कितना है क्यू है। मैं बोला हमारे पास फाई थर्ड सरफेस पे ये कितना होने वाला है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बहुत ध्यान से देखना, ये बताओ साइज बड़ी होने से क्या फ्लक्स में कोई चेंज आया क्या, साइज को तुम बड़ा करते रहो ये बताओ क्या कोई फ्लक्स में चेंज आया क्या, कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आया। एक और चीज देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये तो साइज और शेप तो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे साइज इंक्रीज कर रहा है और शेप सेम है, शेप यहाँ पे सेम है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शेप को भी थोड़ा अलग अलग करता हूँ, मैं शेप को थोड़ा सा विजुलाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे एक नोट लिखूंगा दैट इज वेरी वेरी मच इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे देखो एक और एग्जाम्पल देने वाला हूँ। सपोज करो चार्ज को क्लोज होना चाहिए, या तो सिलेंडर से क्लोज कराओ, या तो कॉनिकल सेक्शन लाकर क्लोज करो, या तो हेमिस्फेरिकल सेक्शन लाकर क्लोज करो, या तो स्फीयर लाके क्लोज करो, या तो क्यूब लाके क्लोज करो, बट चार्ज हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए। तो मैं बोला कि सपोज ये हमारे पास है इस तरीके से, और मैं बोला ये है यहाँ पे क्यू चार्ज, बहुत ध्यान से समझिए, इसको मैं बोल रहा हूँ कि फन, मैं बोला कि यहाँ पे हमारे पास है कौन, और यहाँ पे हमारे पास क्यू चार्ज, इसको मैं बोलने वाला हूँ क्या सेकेंड शेप, एक क्यू चार्ज वही सेम क्यू चार्ज को यहाँ पे लाकर रखो, मान लो ये हमारे पास गोल्ड से बना हुआ है और ये भी कौन जो है वह गोल्ड से बना हुआ है, अब बोलोगे सर गोल्ड ना ना ना, तो ये क्या है हमारे पास कौन, ये हमारे पास स्फीयर है, ये क्या है हमारे पास क्यू, और मैं एक इरेगुलर शेप का यहाँ पे ले लेता हूँ और ये होगा हमारे पास क्यू।
चार्ज सेम है कि नहीं, ये बताओ। मैं पूछूंगा, ये होगा हमारे पास थर्ड वन, ये हमारे पास होने वाला है फोर्थ वन, ये बता इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइव वन से कितना आने वाला है। फाइव वन का इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ये बता फाइव टू का कितना आने वाला है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाइव थ्री में ये बता टोटल चार्ज क्रॉस सरफेस में कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फोर्थ में कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब सारे केस में फ्लक्स सेम है हमारे पास, सारे केस में फ्लक्स हमारे पास सेम है। जब सारे केस में अगर हमारे पास फ्लक्स सेम है तो मैं क्या लिखने वाला हूं, फाइव वन इज इक्वल टू फाइव टू इज इक्वल टू फाइव थ्री इज इक्वल टू फाइव फोर इज इक्वल टू क्या होने वाला है यहाँ पे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये बताओ यहाँ पे क्या शेप सेम है, क्या शेप सेम है क्या? नहीं, यहाँ पे शेप अलग अलग है। यहाँ पे शेप क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे शेप क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है। यहाँ पे अगर शेप डिफरेंट है तो ये बताओ क्या जो फ्लक्स है क्या डिपेंड करता है क्या शेप और साइज पे? नहीं, फ्लक्स शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब यहाँ पे लिखने वाला हूं क्या, मीन्स फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ, थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सर्फेस। इसका मतलब शेप और साइज क्या है क्लोज सर्फेस का, उससे कोई मतलब नहीं। इसका मतलब ये वाला पॉइंट आप तो याद ही रखना, जो फ्लक्स है क्लोज सर्फेस से वह क्या होने वाला है, इंडिपेंडेंट होने वाला है किसके, शेप और साइज से। क्या होने वाला है, शेप और साइज से क्या होगा हमारे पास, इंडिपेंडेंट होने वाला है। ये चीज क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हुआ पक्का? अगर ये चीज क्लियर हुआ तो देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, क्लियर हुआ तो देखो, तो इसको मैं यहाँ पे रफ करता हूं। चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ नोट करो अभी। नोट का मतलब हो गया कि यहाँ पे देखो क्या क्या तुम्हें, ये बताओ यहाँ पे क्वेश्चन पहला एराइज होता है, क्वेश्चन पहला यहाँ पे एराइज होगा। ये बताओ कि जो क्लोज्ड सरफेस के बाहर चार्ज यहाँ पे हैं, ये बताओ झक मराने के लिए खड़े हैं क्या, झक मराने के लिए खड़े हैं क्या? वक्त बोलेंगे अच्छा आप लोग फ्लक्स पास करा रहा, मैंने मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां से पास नहीं करेगा क्या? तो बोलेगा कि अच्छा आपका भी पास होने वाला है क्या, तो आखिर ये फ्लक्स क्यों नहीं क्लोज सरफेस में आप लोग, मीन्स क्वेश्चन ये है कि ये बताओ क्लोज्ड सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसी को हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं बाहर वाले को ले रहे हैं? इसका रीजन सुनो, इसका रीजन पहला हमारे पास पॉइंट ये है कि मान लो ये हमारे पास है इस तरीके से, मैं बोला एक चार्ज यहाँ पे है, क्यू चार्ज यहाँ पे है, सिर्फ अंदर अभी चार्ज मत लो, सिर्फ क्यू, बाहर की वजह से इलेक्ट्रिक मीन्स फ्लक्स क्यों नहीं आ रहा है मुझे पता करना है। तो ये बताओ बाहर की वजह से क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये बताओ क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन है प्लस क्यू है, तो इसका मतलब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, इसका मतलब यहाँ पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होगा यहाँ पे, और ये इधर सीधे चला जाएगा। मैं बोला कि यहाँ पे जो छोटा सा एलिमेंट होगा कितना होने वाला है डीए, और यहाँ से जो छोटा सा एलिमेंट होगा कितना होगा यहाँ पे, ये बताओ जो चार्ज के नजदीक होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पे, ज्यादा होने वाली है। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मैं बोला ये हमारे पास इवन बोल सकता हूं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये यहां से दूर है, तो मैं क्या बोलने वाला हूं, दिस इज ए टू, और मुझे पता है कि इवन की वैल्यू क्या होने वाली है, इवन इज ग्रेटर देन ए टू बिकॉज चार्ज इसके नजदीक। और यहाँ पे अगर एरिया वेक्टर देखोगे, अगर तुम यहाँ पे एरिया वेक्टर देखोगे तो एरिया वेक्टर का साइन कुछ यहाँ पे इस तरीके से है डीए, और यहाँ पे एरिया वेक्टर तुम देखोगे तो कुछ एरिया वेक्टर इधर आने वाला है डीए कुछ इस तरीके से आने वाला है। ये बताओ ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हमेशा 0 डिग्री और 180 डिग्री एंगल बनाएंगे क्या? नहीं, हमेशा 0 डिग्री और 180 डिग्री एंगल नहीं बनाने वाले। हो सकता है कि इस तरीके से ये आपस में कॉम्पेंसेट करेंगे। मैं बता रहा हूं क्या यहाँ पे, क्या ये बताओ इस छोटे से एरिया से मैं बोला कि ये हमारे पास फर्स्ट सर्फेस है और ये सेकेंड एरिया से हमारे पास कितना फ्लक्स जा रहा है, तो ये बताओगे तुम फाइव वन की वैल्यू कितनी होने वाली है, फाइव वन इज इक्वल टू ये क्या होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ मीन्स ये हो जाएगा ई वन
डी ए, और ये कितना होने वाला है कॉस। अभी इस वक्त एंगल कितना है, तो मैं रैंडम ले सकता हूँ क्या? मैं बोल रहा हूँ सपोज करो ये कुछ एंगल पे है, ये कुछ एंगल पे है। मैं बोला कि सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल पे मान लो, इसको ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ एंगल पे मान लो, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन, तो मैं सपोज करो ये ऐसे ले लू, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना होगा कॉस थीटा वन मान लो इसको, मीन एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। हमारे पास ये जो सेकेंड वाला फ्लक्स है वह कितना होगा ए टू डी ए, और ये कितना होने वाला है कॉस थीटा टू होगा। ये बता कॉस है कौन सा, ये बता ई वन इस डायरेक्शन में है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मीन ये एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, एंगल कितना होगा हमेशा 90 से ज्यादा होने वाला है, 90 से ज्यादा होगा तो ये बताओ ये माइनस में होने वाला है कि प्लस में होने वाला है, प्लस में होने वाला है। ये बताओ अगर मैं क्लोज्ड सरफेस से अगर मैं पूरा ये जीरो डिग्री मत लेना, मैं सिंपल बता रहा हूं, मान लो यहां पे अगर ये जाएगा यहां पर ये भी क्या होने वाला, मैं बोला कि अच्छा ये चलो यहां पे लो, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर क्या होने वाला है इसके परपेंडिकुलर होगा। ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है कि थ्री और एरिया वेक्टर डी ए कुछ इस तरीके से, कुछ एंगल बनना है कि नहीं। तो यहाँ पे इसीलिए मैं पूरा जनरलाइज किया और मैं बोला कि सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है। मैं बोला कि फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस ये कितना होने वाला है, ये होगा हमारे पास टोटल चार्ज क्यू नेट इन साइड और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बताओ फाइव क्लोज्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये ऊपर की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे जीरो और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास जीरो। टोटल फाइव क्लोज्ड जो इसके वजह से आ रहा है, एक फाइव वन की वजह से आएगा, एक फाइव टू की वजह से आएगा, ये क्या होने वाला है बहुत ध्यान से समझियो, ये होगा फाइव वन प्लस फाइव टू की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास जीरो होने वाली है, मीन्स फाइव वन प्लस फाइव टू की वैल्यू जीरो। ये बताओ फाइव वन की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस, और इसको यहाँ पे पुट अप करो, ये होगा माइनस ई वन डी ए कॉस थीटा वन प्लस, और ये कितना होने वाला है ए टू डी ए, और ये कितना होगा कॉस थीटा टू, और इस तरीके से अपने आप को कॉम्पेंसेट करेंगे, ये इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करने वाले हैं कि मीन्स होल फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस क्या होने वाला है, इस चार्ज की वजह से होगा जीरो, मीन्स कॉम्पेंसेट लाइक दिस, मीन्स कॉम्पेंसेट इस तरीके से करेंगे, कॉम्पेंसेट लाइक ए मैनर सो दैट फाइव वन प्लस फाइव टू बिकम जीरो। इस तरीके से इस मैनर में वो कंपेंसेट करने वाले हैं कि फाइव वन प्लस फाइव टू की वैल्यू कितनी हो जाए जीरो हो जाए। इस तरीके से उसी लिए बोला जाता है कि प्लस क्यू की वजह से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आती, मीन्स कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही होगी बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से इस क्लोज सर्फेस से कोई नहीं, यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होने वाला है क्लोज सर्फेस से जीरो। दूसरा देखो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखो, सपोज करो एक हमारे पास यहाँ पे बॉडीज है, मैं बोला यहाँ पे चार्ज Q1 है और यहाँ पे चार्ज Q2 है और बाहर हमारे पास Q3 है। मैं बोला कि ये बताओ क्लोज्ड सरफेस का, ये तो मैं बहुत देर से बता रहा हूँ, क्लोज सरफेस से अगर फ्लक्स लिखोगे तो कैसे होगा, ये होगा टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस डिवाइडेड बाय क्या होने वाला है एप्सिलॉन नॉट, और एक और चीज लिखते थे याद करो फाइव टाइम्स ऑफ ई वेक्टर डॉट क्या होने वाला है डी ए वेक्टर। सपोज करो मैं क्या किया यहाँ पे एक छोटा सा एरिया वेक्टर ले लिया, मैं बोला दिस इज डी ए। ये बताओ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं बोला इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आएगा, इसके वजह से भी आएगा, इसके वजह से भी आएगा, ये मत सोचना कि इसकी वजह से नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से आ रहा है, जो अंदर चार्ज है और बाहर चार्ज है दोनों के वजह से आ रहा है, ये क्या आ रहा है दोनों के वजह से आ रहा है। तो मैं बोलूंगा दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस इनसाइड और आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस के बाहर वाला चार्ज और अंदर वाला चार्ज उससे कोई मतलब नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी पॉइंट पे सबकी वजह से आता है, नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस वो क्या होने वाला है हमारे पास जीरो। क्लियर हुआ, मस्त आगे चले हम लोग। देखो गॉसियन सरफेस होने के लिए कुछ रूल उसको कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी क्या होने वाला है गॉसियन सरफेस होने वाला है, अदरवाइज वो गॉसियन सरफेस नहीं रहेगा। क्लियर हुआ,
देखो ओ माय गॉड देखो रूल्स फोर गॉसियन सरफेस के लिए रूल्स क्या है। पहला रूल गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल, हर जगह ये एप्लीकेबल है, is always applicable but not useful, हमेशा ये useful नहीं है, हमेशा ये useful नहीं है। बोला क्या कि जो गॉस लॉ है ना वो हर जगह applicable तो है बट जब अप्लाई करोगे ना बहुत बहुत सारे जगह वहां पे क्या होगा, तुम्हें गॉस लॉ में दिक्कत होने वाली है। मतलब क्या होगा इसके जब अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो कुछ जगह तो अप्लाई हो जाने वाला है बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत स्मार्ट वर्क है ये इस तरीके से, बट ये क्या होगा कुछ एक ऐसा है कि वहां पे ये अप्लाई नहीं हो पाता जल्दी, और वहां पे ज्यादा जो सिंपल क्वेश्चन है वह ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इससे एज कम्पेयर टू अदर प्रॉब्लम। मीन्स सपोज करो कि इससे क्या होगा जिसमें कौन जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे एक पॉइंट चार्ज रखूंगा क्या वर्टाइसेस पे, तो वहां पे देखना ये यहाँ पे यूजफुल नहीं होने वाला, वहां पे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ज्यादा, तो वहां पे इंटीग्रेशन टेक्निक यूज करना पड़ेगा मुझे क्या, वहां पे इंटीग्रेशन टेक्निक यूज करना पड़ेगा तब मैं फाइंड आउट कर पाऊंगा क्या गॉसियन सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सेकेंड हमारे पास ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना यहाँ पर जो है गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड ये क्या है हमारे पास बहुत ही सिमेट्रिक होने वाला है। देखो गॉसियन सरफेस को सिमेट्रिक होना चाहिए, जैसे मैं बोला कि सपोज करो हमारे पास एक एप्पल है, एप्पल को आधा करोगे आधा आधा क्या होने वाला है सिमेट्रिक है कि नहीं, मीन्स मिरर एलिमेंट बनना है। मैं बोला कि सपोज करो एक हमारे पास स्फीयर को आधा से मतलब एग्जैक्टली बीच से कट करोगे तो क्या बनने वाला है हेमिस्फीयर बनने वाला है। तुम्हें मैं फील कराता हूँ, ये बताओ हमेशा याद करना गॉस लॉ में हर एक चार्ज क्या होना चाहिए क्लोज्ड होना चाहिए, अगर अदरवाइज क्लोज्ड नहीं है तो वहां पे हम लोग गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे गॉस लॉ यूज नहीं कर सकते। सपोज करो मैं क्या बोला हमारे पास एक सिलेंडर है, इस तरीके का सिलेंडर मैं क्या बोला यहाँ पे क्यूब है, तो मैं बोलूंगा कि क्या ये क्लोज्ड है क्या चार्ज, क्लोज्ड नहीं है। जब इसको क्लोज करोगे तो क्या करना पड़ेगा सिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक का मतलब हो गया जैसा नीचे का पार्ट दिख रहा है वैसा ही ऊपर भी होना चाहिए, जैसे ये नीचे का पार्ट सिलेंडर दिख रहा है ऊपर का पार्ट भी कैसा होना चाहिए मीन्स सिलेंडर होना चाहिए, ये आपको सीखना पड़ेगा मीन्स कैसे आएगा नहीं। इसका मतलब मैं बोला जितना लेंथ है उतना लेंथ ऊपर बना दो और जितना रेडियस का है उतना ही रेडियस से तुम ये ड्रॉ कर दो। अब ये बताओ ये चार्ज क्लोज हो गया कहीं, चार्ज क्लोज हो गया, ये बताओ इस चार्ज के अबाउट सिमेट्रिकल मीन सिमेट्रिकल ये तुम्हारे पास सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं। देखो यहाँ पे सिमेट्रिक मतलब ये तुम्हारे पास बोल सकते हो कि लाइन सिमेट्री दिख रही होगी या प्लेन सिमेट्री दिख रही होगी इस तरीके से, मीन्स नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट के एकदम एग्जैक्टली सेम है हमारे पास। यहाँ पे भी सेम देखो, मान लो ये हमारे पास कोन है इस तरीके से, ये हमारे पास कोन है और यहाँ पे मैं क्यू चार्ज रखा, ओ माय गॉड ये तो कुछ अलग ही बन गया, कोन का शेप ही अलग हो गया चेंज। ठीक यहाँ पे मैं क्यू चार्ज रखा, क्या क्यू क्लोज्ड है क्या, पहले क्यूब क्लोज नहीं है तो उसको सिमेट्रिकल मीन सिमेट्रिसिटी से और जैसा नीचे दिख रहा है वैसे ही उसको ऊपर बना दो, ये क्या होने वाला है ये बताओ, जैसा लट्टू नीचे वैसे उसको उल्टा कर दो वैसे लट्टू ऊपर, तो ये बताओ। मैं बोला कि चलो ठीक है हमारे पास ये क्या हेमिस्फीयर, ये हमारे पास है क्या हेमिस्फीयर और यहाँ पे क्यू चार्ज, जैसा बाउल नीचे का दिख रहा है वैसे ही बाउल ऊपर होना चाहिए बिकॉज क्यूब क्लोज नहीं है तो क्यूब क्लोज करो यहाँ पे,
ये बताओ यहाँ पे क्या लिखा है, गॉसियन सरफेस मस्ट बी सिमेट्रिक अबाउट द चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब चार्ज के अबाउट क्या सिमेट्रिक, जैसा नीचे वैसे ही ऊपर, जैसा नीचे वैसे ही ऊपर, जैसा नीचे वैसे ही ऊपर दिख रहा है कि नहीं। अब बोलोगे ये कैसे, मैं बोला कि सपोज करो ये हमारे पास है इस तरीके से, और मैं बोला कि यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब है इस तरीके से, बहुत ध्यान से समझियो सब अप्लाई होने वाला है। मैं बोला कि बीच में यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, बीच में क्यूब, ये बताओ क्या सिमेट्रिक है क्या ये, नहीं सिमेट्रिक नहीं है। तो क्या मैं यहाँ पे इसका मतलब सिमेट्रिक करने के लिए जैसा नीचे क्यूब है वैसे ही एक ऊपर बनाना पड़ेगा, हाँ वैसे ही एक ऊपर बना दो यहाँ पे, वैसे ही एक ऊपर बना दो। जब ऊपर बनाओगे तो तुम्हें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, और लगेगा कि ये तो यार क्लोज्ड हो गया, ये तो क्यों, क्या दोनों के ऊपर अगर रख दोगे तो क्लोज्ड दिखने वाला है कि नहीं। इसका मतलब यहाँ पे तो ये बता दो, यही मैं बताना चाह रहा हूँ क्या गॉसियन सरफेस क्या होने वाला है, सिमेट्रिक होने वाला है अबाउट ये चार्ज और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट। क्लियर हुआ ये फंडा? तीसरा वाला फंडा देखो, तीसरा फंडा देखो, तो चार्ज को क्लोज करना बाबा, चार्ज को क्लोज करना अदरवाइज दिक्कत होने वाली है। तीसरा हमारे पास गॉसियन सरफेस में, गॉसियन यहां पे लिख सकते हो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए यहाँ पे सेम होना चाहिए। साथ ही साथ में अभी मैं दोनों को समझा दूंगा, चौथा पॉइंट हमारे पास मीन्स एंगल बिटवीन थीटा जो होगा, और यहाँ पे लिख सकते हो क्या एंगल थीटा जो है हमारे पास मस्ट बी सेम एट, थीटा है क्या मीन्स द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ये थीटा हमारे पास किसके किसके बीच का है हमारे पास, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और ये हमारे पास एरिया वेक्टर, दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमेशा मीन्स मस्ट बी सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन द गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस के सारे पॉइंट्स पे गॉसियन सरफेस। इसका मतलब हमारे पास मान लो मैं बोला कि हमारे पास एक प्लस क्यू है, प्लस क्यू से जो गॉसियन सरफेस बनाओगे बिकॉज कुछ नहीं है तो गॉसियन सरफेस जो होगा वह क्या होगा स्फेरिकल सरफेस होने वाला है, बहुत ध्यान से देखना स्फेरिकल है तो ये आर डिस्टेंस होगा, ये भी क्या होने वाला आर डिस्टेंस होने वाला है, ये भी आर डिस्टेंस होने वाला है और ये भी क्या होने वाला आर डिस्टेंस होने वाला है। जो ऊपर में बनाया था ना सिलेंडर के ऊपर कोण के ऊपर वह सब क्या है हमारे पास गॉसियन सरफेस, ये क्या हमारे पास ये भी क्या होगा दिस इज ए गॉसियन सरफेस, ये क्या होगा हमारे पास दिस इज ए गॉसियन सरफेस होने वाला है, गॉसियन सरफेस है। और यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है प्लस क्यू की वजह से के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये देखो तीसरा पॉइंट ऑब्जर्व करो तीसरा पॉइंट, ये क्या बताया था मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए हर एक पॉइंट्स पे, गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, ये होगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये क्या होगा हमारे पास के क्यू बाई आर स्क्वायर होने वाला है। प्लस एंगल देखो मैं बोला ये प्लस क्यू चार्ज है, अगर तुम एंगल देखोगे एंगल तुम देखो मैं बोला यहां से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन ये होगा डीए, ये क्या होने वाला है हमारे पास ई, सही है क्या, ये बताओ यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास एरिया वेक्टर ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है हमारे पास सेम डायरेक्शन में ही, ये बताओ एंगल कितना है हमारे पास, एंगल क्या होगा हमारे पास ये होगा जीरो डिग्री। इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज इसका यूज करके मैं दिखाऊंगा आपको मिस क्वेश्चंस में, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास जीरो। और एक और पॉइंट हमारे पास कि गॉसियन सरफेस एक पॉइंट से पास नहीं होने वाला, मतलब पॉइंट चार्ज से पास नहीं होगा, ये हो गया हमारे पास तीसरा पॉइंट। देखो चौथा पांचवा पॉइंट हमारे पास गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू ए पॉइंट चार्ज,
पॉइंट चार्ज से ये पास नहीं करने वाला। जैसे हो गया ये, देखो यहाँ पे मैं बोला हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, मैं क्या गॉसियन सरफेस क्या ऐसे पास कर सकता है क्या? नहीं। क्या गॉसियन सरफेस कुछ ऐसे पास कर सकता है क्या? नहीं। तितली बन गई। ये बताओ गॉसियन सरफेस क्या ऐसे पास कर सकता है क्या? नहीं। क्या गॉसियन सरफेस ऐसे पास कर सकता है क्या? नहीं। इसका मतलब गॉसियन सरफेस कोई एक पॉइंट चार्ज से कभी पास नहीं करने वाला। याद करना, गॉसियन सरफेस से तुम बोलोगे यहाँ से गॉसियन सरफेस ये प्लस क्यू है, मैं यहाँ से गॉसियन सरफेस बना लू इस तरीके से, ये क्या होने वाला है? कौन तो बोलोगे गॉसियन सरफेस ऐसे पास नहीं होने वाला, गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास लाइक दिस। इसीलिए इसका हम लोग क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में। पढ़ते रहो और देखते रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो भी करना है अच्छे से करो। और बस मेरा मकसद है यहाँ पे यही, बस आप पढ़ाई करते रहो अच्छे से, और अच्छे आप कॉलेज में जाओ और मस्त से जिंदगी जियो। चलो बाय, थैंक यू।